स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 9 में देखते क्या लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल डेट बी, ठीक है, ट्राइंगल में राइट एंगल है बी। इफ़ टैन ए इक्वल्स टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए कॉस सी, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस देखना, साइन ए कॉस सी है, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है। इन दोनों का एडिशन करके हमें वैल्यू निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए साइन सी, ठीक है। तो देखो, टेन ए की वैल्यू गिवन है, जिससे हमें ट्राइंगल का तो वैल्यू पूरा तीनों तीन साइड का निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे ए साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे नीड है मुझे। सेम वे साइन सी की भी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, और साइन सी की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कॉस के लिए ए की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो, कॉस ए की भी वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस ट्विस्ट इतना ही है, ए एंड सी वाला, बाकी वो ट्विस्ट भी नहीं है, सिंपल है, आप ध्यान दे सकते हो इस चीज़ों पर, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन पर देख लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, सेम क्वेश्चन, टैन ए की वैल्यू गिवन है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन गिवन, टैन ए इक्वल्स टू 1/√3। तो जैसे कि हम फिगर ड्रॉ करते हैं, सेम वे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर आप पेंसिल से बनाइए, ठीक है। मैं पेंसिल से बना रहा हूँ ताकि ये हाईलाइटेड रहे, पेन से आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। पेंसिल से मे भी विजिबल ना हो या थोड़ा कम विजिबल, ठीक है। अब यहाँ पे राइट एंगल डैट बी दिया है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, राइट एंगल डैट बी ये लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, ए ये ले लेते हैं और सी ये रहा मेरा, ठीक है। सेम वे जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग पी बी पी, जैसे आपको पता है पंडित पत्री प्रसाद वाला, वो लिख लेते हैं, हरी हरी बोल। सेम वे टेन इसके लिए होगा, टेन इसके लिए होगा, पी अपॉन में भी, पी अपॉन में भी, डेट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर टेन ए इक्वल्स टू पी अपॉन में भी, और उसी की वैल्यू गिवन है 1/√3। तो ए से जो ये सटा हुआ रहता है वो हमारा बेस होता है, उसी को हम बी बोलते हैं, बेस। तो बेस डेट मीन्स इसके सामने बी है, तो ये कितना हो जाएगा 3। सिमिलर वे में परपेंडिकुलर मेरा ये है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर जिसे हम पी कहते हैं, और वो कितना है 1 है, ठीक है। तो ये 1 और ये 3, मुझे ए सी निकालना पड़ेगा। सेम वे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तीनों टर्म आ जाएगा, तो मैं साइन ए कॉस ए साइन सी सब वैल्यूज एक बार निकालूंगा, उसके बाद ये वन क्वेश्चन के अंदर पुट करके हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे ए सी इन, अप्लाई किया था थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर क्या हो जाए, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के बराबर, ठीक। ए बी कितना है मेरा 3 द होल स्क्वायर, बी सी कितना है मेरा 1 द होल स्क्वायर, तो 3 का क्या हो जाएगा 3+1, तो ये हो गया मेरा 4, ठीक है। डैट मीन्स ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरी 4, तो ए सी मुझे मिल जाएगा 4, जो कि क्या हो जाएगा 2, ठीक है। देयरफॉर ए सी इक्वल्स टू 2, क्लियर। अब मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो वो तो मिल जाएगी यहाँ से, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस की वैल्यू मुझे 2 मिली है, ठीक है। अब यहां से मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर साइन ए इक्वल्स टू पी अपॉन में एच, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन ए, तो पी अपॉन में एच रखा, अभी ए वाला है तो मिल जाएगा मुझे, ठीक है, पी अपॉन में एच, तो पी कितना हो गया मेरा 2,
सॉरी 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 सॉरी, पी मेरा 1 और हाइपोटेन्यूस मेरा 2, तो ये साइन ए की वैल्यू सेम वे कॉस से भी निकाल लेते क्योंकि मुझे नीट पड़ेगी इसके अंदर कॉस ए का भी, ठीक है। तो कॉस ए यहाँ पे बी अपॉन में एच, तो बी अपॉन में एच कितना हो जाएगा, बेस √3 अपॉन में हाइपोटेन्यूस 2, ठीक है। सिमिलर वे अब मुझे निकालना है साइन सी एंड कॉस सी जो कि यूज में आने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, फिगर फिर से बना लेते हैं, ठीक है। फिगर क्या करते हैं, फिर से बना लेते हैं। उसके पीछे का रीज़न एक ही है ताकि ईजीनेस मिल जाए हमें, ठीक है। मेजरमेंट सेम ही रखेंगे, बस डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ठीक है। जैसे कि 90 डिग्री मेरा बी है, अब ए के जगह यहाँ मैं सी पुट कर देता हूँ ताकि मेरा इजी हो जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन पूरी की पूरी चले। सेम वे ए बी की जो वैल्यू है √3, तो √3 यहाँ पे लिख देंगे √3। ए सी की वैल्यू तो मेरी हाइपोटेनस की वो सेम ही रहने वाली 2, ठीक है। बट इस केस में अगर सी के टर्म में देखोगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया पी, ठीक है, ये मेरा एच हो गया और ये हो गया मेरा बेस, ठीक है। बेस की वैल्यू कितनी थी 1, क्योंकि बी सी है तो बी सी फिगर के अकॉर्डिंग क्या था 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, क्लियर है। आई थिंक ये फिगर आपको क्लियर होगा, सी के टर्म में लिखने के लिए मैंने बनाया, ठीक है। देयरफॉर अब साइन सी मुझे चाहिए, तो साइन सी अगेन फार्मूला तो ये लगने वाला पी अपॉन मैच, बट देखो वैल्यूज अभी चेंज हो जाएगी, देखना पी क्या है मेरा ये वाला, ठीक है, क्लियर नहीं है, ये वाला क्लियर होगा पी, ठीक है। परपेंडिकुलर किस किस सामने वाला अपोजिट होता है, अपोजिट को ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं, अपोजिट साइड को, ठीक है। पी √3 हाइपोटेनस 2 है। सेम वे कॉस सी, कॉस सी भी क्या होगा बी अपॉन में एच ही होगा, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। बी अब क्या है 1 और यहाँ पे हाइपोटेनस 2। आई थिंक मेरे पास साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया, साइन सी भी आ गया, कॉस सी भी आ गया। अब मैं फिगर्स में मतलब क्वेश्चन में पुट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा देखते हैं, क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए कॉस सी, ठीक है, यही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। तो जो चाहिए मुझे यहाँ से मिल जाएगा, साइन ए, साइन ए कितना है 1/2, जहाँ पे डबल इम्प्लाइज, ठीक है, साइन ए की जगह पे वैल्यू रखते हैं 1/2। कॉस सी कितना है 1/2 प्लस है बीच में, कॉस ए कितना है √3/2। सेम वे साइन सी कितना है √3/2, डबल इम्प्लाइज 1/4 प्लस √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, और 2 × 2 = 4, तो ये 4/4 आया मेरा, जो कि कट के कितना हो जाएगा 1। डबल इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू मेरी क्या आ रही है, डब साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू क्या आई 1, ये फर्स्ट क्वेश्चन से मुझे मिला क्लियरली, ठीक है। यही वैल्यूज मेरी 1 आई, तो वही मैंने लिख दिया, ठीक है, ये इसके आगे था। अब सिमिलर वे में हम सेकेंड क्वेश्चन पे करते हैं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो लिख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। वैल्यूज तो हमें देखनी पड़ेगी, तो कॉस ए की वैल्यू देख लेते, ठीक है। यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू है √3/2। कॉस सी की वैल्यू उसी समय क्या है जो मैंने निकाल रखा था, वही जगह से मैं इसे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, 1/2। साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये तो 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और ऊपर का √3/4 माइनस √3/4, माइनस माइनस क्या हो गया 0, ठीक है। डबल इम्प्लाइज कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी
इक्वल्स टू ज़ीरो, ये मेरी वैल्यू आई किसके लिए, सेकेंड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आई होप वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कोई भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ लो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑल्सो फॉर गेटिंग द रेगुलर वीडियोज़।